मुझे निकल आई ऐसा लग रहा जैसे क्लीन शेव हुई है। यार मेरे जलन हो रही है बहुत तेज। हद हो गई है तो मैं वीडियो की पड़ी हुई उतारो इसको। हां तुम ऐसे लग रहे हो जैसे दाढ़ी वाला बाबा होता है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय YouTube चैनल। मैं ब्रशर अब देख रहे हैं मेरे पहला चैनल ब्रशर व्लॉग। वेलकम करती हूँ हम आपको अपने चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे बड़ी हर वीडियो मिलती रहे। तो कैसे आप, उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। सबसे पहले तो आप फातिमा मेरे पास खड़ी है, फातिमा का हेलो भी ले लें। फातिमा बोलो हेलो। फातिमा बोलो हेलो। हेलो बोलने वाली। आज के व्लॉग में हम बिस्मा को बकरा बनाएंगे क्योंकि बिस्मा अपनी स्किन की ज़रा भी केयर नहीं करती। तो आज मैं बिस्मा के फेस पे वो लगाऊंगी। आ गई है तो आती है तो मैं इसको लिटाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या लगाने वाली हूँ इसके। आप लोग इसका तो हेलो करना भूलिएगा, इसका हेलो लेना। ओवर एक्टर की दुकान। आज हम बिस्मा को लगाने वाले हैं ये ब्लीच। मैं नाम नहीं बताऊंगी लेकिन बस ये मैं ब्लीच करूंगी बिस्मा को ताकि बिस्मा की जो डेड स्किन है ना वो साफ हो जाए, क्योंकि वो जब से बीमार हुई ना उसने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं किया, लाइक कुछ भी नहीं, बस मूड होती है वो भी एक बार दिन में दो दिन में। तो ये मैं उसके लिए बनाती हूँ और वो रूम में आती है तो उस पर अटैक किया जाता है। यार वैसे तुम्हें डरना तो नहीं चाहिए, चुड़ैल तो तुम बनती हो ना। तुम इधर आओ यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारी स्किन पे ब्लीच करने लगी। नहीं यार ब्लीच नहीं। क्यों यार, तुम जब नहीं होती, तुम जब से बीमार हुई तुमने मुंह भी दो दिनों बाद एक मरतबा धोया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा तो मैंने इसके पोल खोल दिए, सारी स्किन ना साफ हो जाएगी। ठीक है चलो हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं क्रीम निकाल रही हूँ, ठीक है, मुझे जितनी काउंटर टी में लेनी है। बिस्मा का मुँह इतना बड़ा तो नहीं है मगर फिर भी। नमक, बिस्मा कितना नमक डालना है भला? ज़्यादा डालना कम से कुछ होता ही नहीं है। अभी कम है, दिखाओ मैं डालती हूँ। अल्लाह ना पा बिस्मा सारा। ओ चल ठीक है, ये देखिए अब मैंने उसको मिक्स कर रही हूँ, इसमें हमने डाल दिया। ठीक है मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। बिस्मा वो खुद ना लगाना, मैं खुद लगाऊंगी, तुम जो कर रही हो ना चिपकलियाँ मुझे सब पता है। चलो जी बिस्मा को हम लगा रहे हैं ये अब देख रहे हैं बिस्मा वो लग रही है मल्ले वाली आंटी। हद हो गई है इसको, अपने को कुछ नहीं आता। हाँ सब कुछ अभी बाकी अंदर घुस गया तभी मुझे अंदर नहीं आता। ध्यान से दीदी ऐसे कौन लगाता है, मल्ले वाली आंटी बन रही है। आप ये देखो पप्पी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि बिस्मा मल्ले वाली आंटी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाँ बन गई है पप्पे कुटनी आंटी। ठीक है आए हाय मारा नु छोड़ दे। अच्छा अब ये हमारा मैदा है जो हमने लगाना है। चलो आंखें बंद करो, सारा माथा तो तुमने कवर कर लिया। ठीक है बस तुम जहां से आए यार। बिस्मिल्लाह मेरे पलकों पे लगा ना मैं अल्लाह की कसम, पहले डरा दे इधर ऊपर में करो ना थोड़ा कम लगा लो। तुम चुप करो, चुप करके ना काम कर। ओहो कैमरा लग गया, पलक तो लग गया नहीं लग गया उन्हें, आईब्रोज पे लग गया। अच्छा लग गया बस कैमरे की आंख आपको देख रही है अपने। ओह इतने कर उतने कर नीचे वाली पलक पे लग गया, कुछ नहीं होता। मैं तो मुझे भी ना डराओ नहीं, अल्लाह आज मैं जिंदा घर पहुंचा। ऊपर मुंह करोगी तो तुम्हारा मुर्दे का मुंह नीचे हो जाता है बार बार। हम डबे लगाने से क्या होता है पता नहीं, सड़ जाएंगे मेरे आगे सड़े हुए। गर्दन तो भी लगा रही हो, जाहिर बात है फिर गर्दन अलग हो जाएगी मुंह अलग हो जाएगा जब पानी बांदरी लगेगी। दीदी तू लाना मुश्किल है। बिस्मिल्लाह तुम तो कह रही थी कम है तुम्हारा मुंह छोटा पड़ गया है। हाँ तो भी लगा दे। हाँ ये तो मैं भूल गई थी, इसके आंखों के ऊपर लगाना है। पागल हो विवाह, इसमें देख क्या मशवरे दे रही। मुझे नहीं पता
मुझे नहीं था पता, मैंने इसलिए बोला है। चमकी गर्दन कितनी लंबी है, जरा ऑफ है जैसी। ज्यादा लगा खून निकलने लग गया है। हाँ? ये भी बकवास कर रही है। मैं तो तार रही हूँ, बकवास कौन कर रहा है यार। जब मैं इसके हाथों पे लगा रही हूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कुकरी के पंजों पे लगा रही हूँ। बिस्मा जलन हो रही है। हाँ तो तुम्हें मैंने कहा था ना वो नमक कम डालो, ऊपर से तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स भी हो रहे थे। ज्यादा जलन हो रही है, है। तुम पागल हो गई हो बीबा, सबर कर लो, ज्यादा हो रही है यार। अभी तो बिस्मा पड़ा हुआ है, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, अब वेट करो। यार बिस्मा अभी टाइम नहीं हुआ, रोला डालने लग गई। मैंने तो मसाला तुमने ज्यादा डाला कि मैंने तुम्हें कहा। हाँ सही है भाई, करे कोई तो पड़े कोई। अब ये देखो कैसे अपने आप को जन्म हो बिस्मा, नीचे से रेड रेड निकल आई है। हाय बिस्मा, हेलो बिस्मा। अब बिस्मा को बहुत बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो हम उसको उतारने लगे हैं टाइम से पहले। वो कह रही है कि मेरे मुंह पे पिंपल्स हो रहे हैं और वहां से ना ब्लड निकल रहा है और बहुत ज्यादा ना इसको जलन हो रही, तकलीफ हो रही है। तो टाइम इसके वगैरह उतारते हैं, विवाह को भेजा पाए लेने के लिए। उतारते क्या हुआ, ज्यादा हो रही है? हाँ जी बहुत ज्यादा जलन हो रही है मुझे, मेरी बहन को कोई परवाह नहीं है, व्लॉग बना रही है। मेरे से हमें नाराज है। हबीबा आ गई है, उतार रही है अब। वो देखो बिस्मा नीचे से चिट्टी चमड़ी निकली है, ध्यान से। अब वो पीछे पड़ा हुआ है इसका। जल गया है इसका मुंह। जिस रफ्तार से ये उतारा जा रहा है तब तक तो शायद बिस्मा भुनी जाए। बिस्मा तुम्हारी मुझे निकल आई, ऐसा लग रहा जैसे क्लीन शेप हुई है। इधर तुम्हारी मुझे निकल आई। बिस्मा को जलना है, बिस्मा ड्राफ्ट किचन में आ गई है और मैं भी बग गा रही हूँ पढ़ रही। मैं अपनी ब्लीच खुद धो रही। इसमें यहाँ से जल गई है गर्दन। इसमें अपना मुँह खुद धो रही हुई है, इसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। खैर फाइनली बिस्मा आ गई है। बिस्मा अब तुम ठीक हो? ठंडे पानी से मुंह धो के आई हो, ठीक हो? बिस्मा तुम ठीक हो? हाँ। सोड़ क्यों रही है वो, अभी भी खारिश कर रही है। हैं हम इंसानों को रास आ जाती है चीज़ें, बस इंसानों को रास आने वाली बात है। बिस्मा को बहुत ज़्यादा जलन हो रही, बिस्मा के एक तरफ से मुंह थोड़ा सा जल भी गया है और पिंपल्स की वजह से। बिस्मा का मुंह एक तरफ से थोड़ा जल गया पिंपल्स की वजह से, तो ये मैं लेके आई हूँ, ठीक है। ये शीट है और ये बहुत ठंडी है, मैं बिस्मा के फेस पर अप्लाई करूंगी इसे। शायद बिस्मा को ये आप मत लगाइए, मैं खुद लगा लूं। आइए लो बिस्मा, मैं खुद लगा लगाओ। बिस्मा मास्क लगाने लगी है ऊपर, इसका मुंह ये देखें यहाँ से जल गया है, आंखों नजर नहीं आ रहा, यहाँ से जल गया है। वैसे आपस की बात है बिस्मा, तुम गोड़ी गोड़ी हो गई हो मजीद। बिस्मा अब लगा लिया मास्क। बिस्मा अब ठंडक लग रही है? चलो थोड़ा सा बिस्मा का जो मुंह जल गया है ना, ऐसे लग रहा है जैसे दाढ़ी वाला बाबा होता है। बिस्मा ने अपना मास्क लगा लिया और जले हुए मुंह का इलाज कर रही है। शोधों और कमीनों की तरह मेरी बहनें एलोवेरा निकालती हुई। ये पंखा चल रहा है और ये मेरी गरीब बहन पंखे के ऊपर लेट गई है ताकि इसको गर्माइश मिले। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या जुगाड़ है तुम्हारा बिस्मा। 15 मिनट लगाने के बाद बिस्मा अपना मास्क उतार रही है। जी तो फ्रेंड, बिस्मा का मैंने आज किया था ब्लीच और बिस्मा की थोड़ी सी स्किन जल गई है, फिर उसने एक मास्क लगाया, उसके बाद वो गई है वॉशरूम में ठंडे पानी से दोबारा मुँह धोने के लिए। उसकी स्किन शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो तो है नहीं। अब मैं इसका एंड करती हूँ, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा वॉशरूम करवा दें और जो मेरे दोस्त मुझे अच्छे से कमेंट करते हैं उनका थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।